अच्छा सुनिए, आजाद आपकी गर्लफ्रेंड आने वाली है, नहीं तो मैं सब तैयारी करके रख दी। चिकन बिरयानी, मटन कबाब, फ्रेश फ्रूट जूस और सैलड बना के फ्रिज में भी रख दी। पूरे घर की सफाई करके चारों कोनों में खुशबू वाले अगरबत्तियां भी लगा दी। और उसके आने से पहले मैं निकल जाती हूँ। कहे को बोले तो तुम लोग के बीच में मैं कबाब में हड्डी कहे को बनूँ। ठीक है ठीक है, जाओ तुम, मैं देख लेता हूँ। कल आओ, मैं तो परसों आओ। ठीक है ठीक है। अजी हाँ, अरे ख्वाब था वो, काश के वो हकीकत होता तो कितना अच्छा रहता था। कौन सा ख्वाब? जरूर मेरी सौतन का ख्वाब देख रहे होंगे। तुम्हारा कैसा मालूम? तुम्हारी रग रग से वाकिफ हो जी, ठर की आदमी। ए बेगम, मर्द के दिल के खाने में दूसरी औरत के वास्ते और औरत के अलमारी में दूसरे कपड़ों के वास्ते हमेशा जगह रहती। ऐसा तुम पहले अपने दिल के ढक्कन पे ताला डालो और आंखा खोल के देखो आजू बाजू क्या हो रहा। बोल के क्या हो रहा, क्या देखना? बाजू वाले नई कार लिए, थोड़ी शर्म करो जी, मेरी नाक ना को कटाओ। ठीक है भाई, अपन भी नई कार ले लेंगे बस। अच्छा सुनो, वो फर्स्ट फ्लोर वाले मिर्जा भाई है नहीं, उन अपने बीवी को 3 तोले का सोने का हार बना के गिफ्ट करे। अच्छा अच्छा, जरे शर्म करो जी, मेरी नाक नको कटाओ। ठीक है भाई, अपन 4 तोले का सोने का हार लेंगे बस। अच्छा सुनो, सामने वाला दूसरी शादी कर लिया, अब मैं भी जा रहा हूँ दूसरी कर लेने के वास्ते, नहीं तो तुम्हारी नाक कट जाती ना। ऊपर वाला उसकी बीवी को सोने का हार गिफ्ट करा तो मेरे को भी करो बोले। अब सामने वाला जब दूसरी शादी करा तो मैं कहीं को नको करू बोलो तुम? मैं दूसरी शादी कर के चलता हूँ, अब मैं कर रहा हूँ। तुम बोलो तो मैं तुम्हारे हाथ हाथ जोड़ती पाव पड़ती हूँ, नको करो प्लीज। देख हम देखी चूल्हे में फूकी, ऐसा करे तो ऐसी छोटा दूसरों को देख के जिंदगी नहीं गुजारना, जिंदगी बैगन में मिल जाती। अपन अपने हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से जिंदगी गुजारना भाई, और जो भी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलना, तो जिंदगी में सुकून आता, चैन आता, बरकत आती जिंदगी में, समझे? अजी तुम पॉलिटिक्स पार्टी ज्वाइन कर लो ना। कहीं को भाषण अच्छा दे रहे तो भाषण था ये अधिभादी ता तमदले तुम मैदान तुम दबते तुल्लू में अंदर। तू कहां से उठ के सुबह सुबह आए रे? तुम हत्थे निकल डाले पूले बाता तुलिया में तुम्हाले। क्या सुना रे? इनो इतम बलते पादल बेवकूफ नालाया थे मैदान दबते कुत्ते दे देता तुम्हाले पीते तमदाले इन तिल्ला ले इन तुम्हातु तमद में नहीं आला। गधे दे देता दलील होले उन्हें तुम्हातु तमद में नहीं आला। ऐता तले तो तोई भी तमीना तुत्ता तुम्हारे तू बलदात नहीं तलते गिया। अरे हाँ, तू तारीफ कर रहा, इंसल्ट कर रहा, क्या रे रे? मैं तुम्हारी तारीफ कर लूँ मैदान? नको, तेरी तारीफ की कोई जरूरत नहीं है मेरे को, तुम्हारी दान है मैदान, दान है। दान दी, दान बोला। रे तू जान जान बोल के जान पे नको बैठ रहे भाई, जाके मुंह धो के आ जा, भूख लग रही थी, खाना निकालो। क्या बेहतरीन खाना पकाया आप, एकदम असली घी की खुशबू आ रही। वाह शुक्रिया शुक्रिया। वाह मैदान मैदान क्या रे? तैता है थाना बाजू दली में नहीं होता, धुली माथे लेते आया। तुम क्या बोले हैं? तो वो खाना तो तुम पकाए बोले, शुक्रिया शुक्रिया बोल रहे, मैं तारीफ करा तो। अजी मूड नहीं था आज पकाने का। अरे अच्छा नहीं रहता मूड तुम्हारा? हाँ पल में तोला पल में मासा हो जाते तुम। देखो असल मेरे को तुम्हारे से कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बिकॉज गलती तुम्हारे अम्मा बाबा की है जो तुमको गलत तरबियत दिए। हाँ अजी मेरे अम्मा बाबा के बारे में तुम कुछ भी नको बोलो बोल दे रही हूँ, समझे? हमारे पप्पा दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान है। अच्छा, और दुनिया का सबसे मासूम इंसान कौन है? मेरा भाई। और दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान कौन है? हमारी बहन का हस्बैंड। अच्छा, और दुनिया का सबसे गलीज
कमीना हरामी नालायक बेशरम बेहया इंसान कौन है? वो तो तुम है ना। मैं बेशरम बेहया नालायक इंसान हो ही नहीं सकता। आई कांट बी दैट पर्सन। ऐसा प्रूफ करो। अरे हमारे अम्मा बाबा का बचपन से फरमाबरदार बेटा हूँ मैं। हमारे अम्मा दिन में 10 बार तो भी मेरी तारीफ करते, कभी कभी तो फोन करके भी बोलते मेरे को, क्या बेटा तेरी जैसी औलाद दुश्मन को भी न रहना। हम कौन सा गुनाह करे थे कि जो तेरी जैसी औलाद मिली? 10 बेटियां रहना मगर तेरे जैसा एक बेटा नहीं रहना। इतनी तारीफ करते हमारे अम्मा मेरी। तुम्हारी अम्मा करते थे तारीफ कभी? शादी से पहले घर वाले क्या जी, बाहर वाले भी करते थे। और फिर कॉलेज के दौर में लोग मरते थे मेरे पे। आंखों से अगर कत्ल करना जुर्म रहता ना तो चंचलगुड़ा जेल में उम्र कैद की सजा काटते रहती थी मैं। अब ये बात तो सही है, आंखों से जहर टपकता तुम्हारे। अजी पागल आदमी, मैं बोलना चाह रही हूँ हजारों लोग मरते थे मेरे पे। हाँ ये हो सकता है भाई, सस्ती चीजों के क्या है खरीदार बहुत रहते। सस्ते तुम है जी, तुम्हारी चिंदी सोच है, सस्ती सोच है तुम्हारी। चिंदी इंसान है जी तुम थोड़ा अपनी सोच को बढ़ाओ। ऐसी चिंदी सोच रखे तो तरक्की नहीं होती तुम्हारी। मैं तला दी भाई, तू क्या देख रहा, मजे ले रहा, खाना खाते रहा तू? थाली पीली थे मालते लेते मिल तू भाजी थे था दूता नहीं तालते थे बोलते मिले पर दूता नहीं तालते बोला। अरे क्या कुड़कुड़ कुड़कुड़ कर रहा रे? मैं तुझ भी नहीं तला। खाना खा, खामोश खाना खा। क्या तेरा बताऊंगा ये गाड़ी खाली गर्म पानी है। घर में ना दूध है ना चाय पत्ती। अरे तुम्हें को बोलना था ना जी, मैं छोटन से मंगाता था ना। तुम इसी घर में रहते नहीं, तुम्हारे को मालूम नहीं होना ये सब। अरे मैं क्या चूल्हे में घुस के डब्बे में झांकता हूँ जी, क्या है क्या नहीं देखने के वास्ते? तो मेरे फोन में घुस के मेरे व्हाट्सएप पे झांकते ना। वैसे चूल्हे में घुस के डब्बे में झांके तो मालूम होता क्या है क्या नहीं बोल के। देखो भाई डब्बे में क्या है क्या नहीं वो तो नहीं मालूम मेरे को, मगर तुम्हारे को भेजा नहीं है इतना मालूम पड़ेगा। हाँ तुम्हें को बहुत भेजा है नी? हाँ जी बहुत भेजा है। भेजा तो इंसान को रहता, जानवर को रहता, सबको रहता, मगर इंसान में अक्ल रहना बहुत जरूरी है। ऊपर वाला जब अक्ल बांट रहा था तो जब तुम छन्नी पकड़ के थे क्या था? दालती की अक्ल पूरी भर गई। बहुत अक्ल है नहीं तुम्हारे को, तुम अपनी अक्ल तुम्हारे पास रखो, मेरे को तुम्हारे से घस लेना नहीं है। तो सीधा सीधा बोलो ना बेगम कि तुम हमारी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि हार कबूल कर लो बेगम, हार कबूल कर लो। हार और वो भी मैं। अजी एक बात कान खोल के सुन लो तुम, औरत सिर्फ एक ही हार कबूल करती, वो भी सोने का। मैं ना पड़ जाता झगड़ा, हाँ बोल बैठ जाना। मैडम मैं हार गया, आप जीत गए मैं हार गया, ठीक है ओके गुड। अच्छा ये सब बेकार के बात छोड़ो, क्या बोलते सो, मेरा दिल सोना सोना बोल रहा जी। अभी कितना सोते जी, सो सो के देख रहे तुम्हारी हालत क्या हो गई। अजी ये सोना नहीं, गोल्ड, सोना, ज्वेलरी। वो सोना, ओके ओके, आई गॉट इट, ओके, लेंगे, ठीक है, थोड़ा रेट कम हो तो अपन सोना खरीदेंगे। अभी कितना जी, 75,000 से 70,000 आ गया। और थोड़ा कम हो तो अपन सोना खरीदेंगे। और कितना कम जी? बस थोड़ा कम हो तो अपन खरीद लेंगे। कितना वो बोलो? 5,000 रुपये तोला जब होता है ना जब खरीद लेंगे। तो सीधा सीधा बोल दो ना जी, नहीं दिलाते बोल के। अरे तुम सीधा सीधा बोले तो समझते जी, टेढ़ी फिसली के बने पे तुम टेढ़ा समझाना पड़ता, तुम्हारे पैसे नहीं है। सैलरी जब मैं दिलाया था तुम्हारे को भैदान। भैदान पैसे नहीं है तो मैं तो बोलना ना दी, तू देता है तो ले। नहीं मदल में धल बैठे बैठे पैसे तो मानने था आइडिया देता तुम। हाँ क्या है वो आइडिया? ढल बेच दो। तुम लोग टॉम एंड जेरी के जैसा लड़ना बंद करो भाई, मेरे का 15,000 रुपए है, देखो अपन लोग जाके कुछ तो भी लेके आएंगे। चलो कहाँ से लाते जी 10-15 हज़ार में, क्या आता? अरे 1 ग्राम सोना तो भी आता भाई, एक नथनी आ जाएगी ना के। चलो 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 चलो। अरे पानी है रे, वो पानी पड़ता है ऐसा दिखा।
बनने दो। अरे आओ जी जल्दी आओ जी, पानी पड़ा तो फिर किचकिच हो जाता, चलना फिरना नहीं बोलता दिल मेरा। अजी कैसी दिख रही हो? ओहो हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत दिख रहे। जल्दी जाके नजर का टीका लगा लेता हूँ, नहीं तो नजर लग जाएंगी बाजार में। अभी आके जा। अरे छोटा, तेरी बहन की वजह से मेरे को जहन्नुम में जाना पड़ता है ऐसा दिख रहा? रोज झूठ बोलना पड़ता रे मेरे को। तैता झूठ रोज तैयार होके मेरे को पूछती, मैं तैती दिख रही हूँ? फिर क्या, फिर रे झूठी तारीफ करना पड़ता, अच्छे से दिख रहे तुम बोलना पड़ता। अब सच्चाई तो नहीं बोल सकते ना कि तुम चुड़ैल है। क्या बोले? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़ाकम। आई होप कि आप लोगों के वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बिकॉज जो एंडिंग थी बहुत भयानक थी। आगे क्या होने वाला है वी डोंट नो। जब तक आप लोग थोड़ा इंतज़ार करिए और हमारे वीडियो को वायरल करिए, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख लाइक सुनाए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। वायरल कीजिए और शेयर कीजिए अपने लोगों से। मिलेंगे अगले सैटरडे।